पापा आपको पता ही है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठाऊं, हम सबकी भलाई इसी में कि आप मेरी वहां पे इज्जत से शादी करवा दो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। अगर मैंने इसकी शादी वहां से ना कराई तो मेरा लड़का तो जा सकता है हाथ से, और हो सकता है कि मेरी इज्जत भी चली जाए। अलीशा मैं जा रहा हूँ, अगर पापा कुछ भी काम के लिए कहें तो अच्छे से कर देना, ठीक है? रहो, इधर आओ। जी पापा। ये सब कैसी गंदगी फैला रखी है, चलो रख के आओ सब। इससे इतना काम करवाऊंगा कि मुझसे मजबूर होकर घर भाग जाएगी ये अपने। अरे बहू मेरे लिए कप चाय बना देना। लीजिए पापा जी चाय। बहू तूने ये चाय बनाई है जहर? लाओ मैं चाय चेक कर लेती हूँ, अगर सही नहीं हुई ना तो पापा मुझे डांटेंगे। पापा जी चाय तो सही थी। मेरी तो मर्जी नहीं थी अपने बेटे के साथ शादी कराने की तेरी, तूने पैसा देख कर उसको फांस लिया मेरे बेटे को। जहाँ से अपने बेटे की शादी करके लाता कार से दहेज मिलता और उसके ससुराली आगे पीछे नाचते। क्या हो गया अलीशा, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, जा बेटा बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। रुको अलीशा, आज सब फाइनल होके रहेगा, सब बातें सुन ली मैंने तुम्हारी जो तुमने बोला है। बेटा मैंने तो कुछ नहीं बोला बहू से, पूछ लो चा। मैंने सब अपने कानों से सुन लिया। पापा हम लोगों ने इसीलिए आप लोगों को राजी करके शादी करी कि बाद में कोई परेशानी ना हो। हम चाहते तो भाग कर भी शादी कर सकते थे, मगर हमने नहीं करी ताकि आप लोगों की इज्जत पे कोई आंच ना आए। और आप अलीशा के साथ ऐसा व्यवहार करो मैंने कभी नहीं सोचा था। चलो अलीशा हम कहीं और रह लेंगे। रुको बेटा, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। पापा हम घर छोड़ के नहीं जा रहे थे, हम बस देखना चाह रहे थे कि आप हमें रोकोगे या नहीं।